पर रियल टॉर पर फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से आप वेडिंग एल्बम का सीट तैयार कर सकते हैं 12/36 का। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने न्यू टेम्पलेट लिया 12/36 का और बीच में ग्रिड लाइन कर दिया 18 पे। अब हम एक स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर टूल की रेक्टेंगल टूल की मदद से फ्रेम तैयार कर लेंगे। अब फ्रेम तैयार होने के बाद हम इसका एक कॉपी कर लेंगे, तो ऑल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा इस तरह से ड्रैग करने पर। कॉपी होने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे बड़ा छोटा करके इस तरह से पेज के अंदर जैसे हमको चाहिए लेआउट के तरफ में। अब से और कॉपी करके हम इसका एक अलग सा लेआउट बनाएंगे, तो उसके लिए हमने इसे बड़ा कर लेंगे जैसे चाहे हम उसे एडजस्ट कर लेंगे और इसे हम ड्रैग रोटल वगैरह करके हम इसे सेट करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप मैं स्क्रीन पे कैसे मैं सेट कर रहा हूँ बड़ा छोटा करके रोटेशन करके। और जैसे ये आपका आपको अचीवमेंट मिल जाता है कि आपको ऐसे रखना है, तो आप इसे डुप्लीकेट करके आप इसमें कुछ आउटलाइन दे सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसे जस्ट कॉपी किया और इसे ओपेसिटी को कम कर दिया तो इसका फिर शैडो बन गया और इसे हम बैक में कन्वर्ट कर दें। इसका और कॉपी कर लेंगे सब और इसे हम फिर यहाँ पे हम बैकग्राउंड में एक ओपेसिटी बैकग्राउंड तैयार करेंगे कम करके, तो इस तरह से इसे भी एडजस्ट कर लेंगे बैक में ट्रेस करके। अब इसके बाद हमारा बैकग्राउंड ऐड करना है, बैकग्राउंड में कलर तो हम ग्रेडियंट टूल लेंगे और वहाँ से हम एक सूटेबल ग्रेडियंट पर सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए होगा, तो इसे ड्रैग कर लेंगे इस तरह से तो ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा आपके बैकग्राउंड में इस तरह से। तो जैसा देख सकते हैं आप हमने करके दिखाया आपको। अब इसके बाद हम उसको एक फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और उसमें फिल करेंगे फ़ोटोज़ को, तो इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिलेक्ट करके फ्रेम को। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ऑल्ट की मदद से हम इसे क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये फोटो अंदर चला जाएगा और इसे हम छोटा कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह बारी बारी से सारे फ़ोटोज़ हम ऐड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कंट्रोल टी करना है, छोटा कर लेना है, फ्रेम के साथ एडजस्ट कर लेना है और ऑल्ट की मदद से क्लिप मास्क कर देना है। इसी तरह से लंबे वाले फ़ोटो के लिए लंबे फ़ोटो लेंगे और बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए हम इस बड़े फ़ोटो को लेते हैं और इसे पूरा फुल बैकग्राउंड में डाल देंगे और यहाँ पर हम मास्क ऐड करेंगे। तो मास्क को ऑन कर लेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से मास्क को ऑन करने के बाद ब्रश ले लेंगे और ब्रश के साथ साइज को बढ़ाकर हम धीरे धीरे ड्रैग करके उभार लेंगे डिजाइन को, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम कर रहे दिखा रहे हैं। इस तरह से एक लंबा फोटो लेंगे और लंबे वाले फ्रेम में डालेंगे, तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्लिपिंग मास्क ऐड करना है ऑल्ट की मदद से और कंट्रोल टी करके इसे हम बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे फ्रेम में। तो ये इस तरह से हम बारी बारी से सारे फ़ोटोज़ को ऐड करके करने का तरीका आप देखिए बहुत ही आसान है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बैकग्राउंड इस तरह से एडजस्ट कर देना है जैसा चाहिए आपको डिज़ाइन, और यहाँ पे हम क्लिपिंग यहाँ पे मास्किंग ऐड कर देंगे और ब्रश की मदद से हम इसे उभार लेंगे। तो इस तरह से मास्किंग ऐड हो गया, तो देख सकते हैं आप दोस्तों कुछ ही पल में हमने बहुत ही आसानी से डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब इसे आप सूटेबल कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ से ओपेसिटी वगैरह ये सब कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। हम सारे लेयर्स का ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, आप ब्राइटनेस कंटेस्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं सारे फ़ोटोज़ का, तो आप उसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और इस तरह से कलर बैलेंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा फ़ोटो एडजस्ट होने के बाद आप कुछ कमी लगती है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसे जैसा चाहे छोड़ सकते। तो आप इसे अगर आपका डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो इसे आप सेव कर दें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा ट्रिक्स जिस तरह से आप एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्यूटोरियल के साथ आपको 10 बोनस PhD टेम्पलेट भी मिलने वाला है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक की मदद से। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे लिंक पे जाए और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तो आप इसे आसानी से डाउनलोड करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।